ये स्वेटर देखो मुझे पसंद आ रही है, पर ये भैया मुझे दे ही नहीं रहे। अरे नहीं दे पाऊंगे, कहाँ दूंगा वो चीजें, उसे है महंगा वाला, नॉर्मल ले दूंगा। ले लो, कहाँ से महंगा है ये, ले लो मैं दे दूंगा आपको। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए 100 रुपए का बस, दो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है गाइस। एक खुशखबरी, मुझे स्वेटर वाले भैया ने बुलाया तो अभी हम स्वेटर देखने फिर से जाएंगे। A few moments later. मेरा भाई यो सब्जी ना यार, टमाटर सड़ जाए साला, कल मेरा भी कब है मेरा कल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आज हम आए हैं, कहाँ आए हम? सरोजनी नगर, दिल्ली के सरोजनी मार्केट में आए हैं, सरोजनी नगर मार्केट में। तो हम दिखाएंगे यहाँ क्या क्या न्यू मिल रहा है, समर के क्या क्या क्लोथ्स यहाँ पे आए हैं, और अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा हमें। बहुत सारी खरीदारी करनी है आज अकंजा, इसको डर है इसका बैग चोरी ना हो जाए। तो अभी हम करेंगे अंदर एंट्री और फिर देखते आज कितनी सारी शॉपिंग होगी। तो गाइस सरोजनी नगर मार्केट पहुंच चुके हैं और यहां से होगी हमारी एंट्री। एंट्री करते ही हमें बहुत सारी क्लिप्स देखी, तो हमने कुछ क्लिप्स देखी, एक दो क्लिप्स हमने खरीद भी ली। उसके बाद हमने देखे कुछ प्यारे प्यारे से झुमके, और इन झुमकों में हमारी नज़र गई तो हमने सोचा ये भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी तो मार्केट की स्टार्टिंग है तो अंदर भी हमें बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट इयररिंग्स थे, जैसे कि मोतियों से बने हुए थे, जैसे कि ये हार्ट शेप वाला है, और भी बहुत डिफरेंट इयररिंग्स थे। तो हमने सोचा आगे भी देख लेते हैं, तो हम आगे की ओर बढ़े और यहाँ पर कुछ पैंट मैंने देखी, 150 रुपीज़ की थी, ज़्यादा की नहीं थी। मैं पहले भी पैंट लेके गई हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट थी। ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी तो मैंने वापस रख दी। वैसे ही मुझे कुछ खास शॉपिंग यहाँ पे नहीं करनी थी, मैं इनके साथ आई थी क्योंकि इनको कुछ सामान खरीदना था। फिर उसके बाद एक बेल्ट, वैसे मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ बट फिर भी मुझे ख़रीदनी थी क्योंकि बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं जिसमें हमें बेल्ट लगानी होती है, तो वो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी और भैया से कुछ बार्गेनिंग भी कर रही थी कि वो मुझे कुछ कम करके दे दें। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। हाँ तो बेल्ट खरीदने के चल रही है, कुछ स्लीपर देखी तगड़ी वाली जो कि काफी कम प्राइस में, यानी कि 200-300 में आपको डील डन होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट न्यू लुक की स्लीपर आई है। उसके बाद ये शर्ट की एक शॉप है जहाँ पे व्हाइट शर्ट पैंट्स और कुछ वुलन भी यहाँ पे मिल रही थी। सौ रुपए में दोगे नहीं दोगे? 100 में दो, 100 में दो बोलो। नहीं दे पाऊंगे, प्लीज दे दो। ये स्वेटर देखो मुझे पसंद आ रही है, पर ये भैया मुझे दे ही नहीं रहे। अरे नहीं दे पाऊंगे, कहाँ दूंगा वो चीजें, उसे है महंगा वाला, नॉर्मल ले दूंगे। ले लो, कहाँ से महंगा है ये, ले लो मैं दे दूंगा आपको 100 रुपए। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए 100 रुपए का बस, दो। अरे यार शर्ट लेने बोल रहा है, क्या करूं? ये ले लो इतनी। ये दो ऐसे कैदी नहीं पहनते हैं ऐसे। अच्छा हमको सिखा रिया है जल्दी ले यार, भैया मुझे कल परसों तो ये कह रही थी। नहीं मैम ये एंटीक होते हैं। भैया इधर एक साबुन ले दो, धोके इनको दिखा दो। साबुन धोके, साबुन दे दो, धोके दिखा दे। दिखाइयो, अच्छा सा लग रहा है।
बहुत गंदा लग रहा है भाई यार। तो गाइस हम चलेंगे स्वेटर वाले भैया में, देखते हैं वो हमें 100 रुपए की स्वेटर देंगे या नहीं देंगे। बहने मारेंगे मुझे। अरे मुझे बुलाने कौन आया था? झूठ बुलाने आया था। सच सच बताओ क्या मेरा भाई यो सब दिन टमाटर सड़ जाए साला, कल मेरा भी कभी मेरा कल इतवा दे। आंजल बोल दो क्या दोगे? गजब बेइज्जती है। बहुत लड़ाई कर ली। ये भगवान क्या जुलूम है। तो गाइस स्वेटर की शॉप से हमें निराशा के साथ निकलना पड़ा और वो स्वेटर मुझे नहीं मिला। तो हमने देखे बाहर एक प्यारे प्यारे झुमके जो कि 100 रुपीज़ के थे। तो ये झुमके एक बबलिन ने ले लिए हैं और इसके साथ और भी इयरिंग्स हैं। 100 रुपीज़ की यहाँ पे सेल लगी हुई थी। शर्ट टी शर्ट्स यहाँ पे मिल रहे थे तो वो भी हमने देख लिए, बट हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम ग्लासेस देख रहे थे, हमें कुछ ड्रिंक ग्लासेस चाहिए थे जो कि हम चेक करके देख रहे थे, जो हमें पसंद आए वो हम खरीद लें। तो यहाँ पे बबली नकांश और हम सब चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ घर के लिए बेडशीट खरीदनी थी जो कि हम कलर चूज कर रहे हैं कि कौन सी बेडशीट हमें लेनी है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है हर गर्ल्स के लिए, पर्स। तो हम स्पेशली पर्स देखने आए थे बट हमें किसी भी शॉप में पसंद नहीं आए थे क्योंकि बहुत स्मॉल स्मॉल पर्स थे। और फाइनली सारी शॉपिंग होने के बाद हम आए बीकानेर। बट आप सोचोगे बर्गर किंग का लोगो क्यों दिख रहा है, बिकॉज ठीक हमारे सामने बर्गर किंग ही था जो कि बिल्कुल पास में ही था। और हम मेन्यू देख रहे हैं कि क्या हमें ऑर्डर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमें भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो हमने सोच लिया हमें क्या खाना है और हमने मंगवाए छोले भटूरे। और ये कॉम्बो में मिला है चॉपसी टाइप का कुछ और एक कोक लिया है हम। तो अभी थोड़ी देर हम तीनों व्यस्त रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ खाने में हमारा ध्यान रहेगा क्योंकि बहुत ज़ोरों की हमें भूख लगी है। तो गाइस खा पी के हम निकल चुके हैं और शॉपिंग तो हमने कुछ भी नहीं करी है, ऐसा लग रहा है खाने खाने आए थे हम। क्या लिया है? ये लिया है, ये लिया है बेडशीट, ये लिया है ग्लास, निकलने वाले पैक बनाने वाले। तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो की ओर और मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम निकलेंगे घर, पेट पूजा भी हो चुकी है हमारी काफ़ी ज़्यादा।